लेट्स स्टार्ट अवर कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेस। नाउ कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेस के अंदर हम मेनली हमारे जो फोकस होता है वो डिलीवरेबल्स को चेक करना होता है, डिलीवरेबल को टेस्ट करना होता है। अब अगर डिलीवरेबल मेरे पास आएगा तो चाहे मैं उसको इंस्पेक्शन करूँ, उसकी मेजरमेंट करूँ, फिजिकली उसको देखूँ या कोई टेस्ट रन करूँ, और उन टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट्स के बाद आई वुड कम टू नो कि यार मैंने जो प्लान क्वालिटी के अंदर क्वालिटी डिफाइन की थी या क्वालिटी का डिजायर्ड स्टैंडर्ड डिफाइन किया था कि यार ये वो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है जो होगा। अब अगेन इसके अंदर ये याद रखिएगा कि किसी एक क्वालिटी स्टैंडर्ड की हम बात नहीं कर रहे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड और होगा कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ये क्वालिटी करेंगे तो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस क्वालिटी की हम इंश्योर करेंगे, मटीरियल हमारा इस क्वालिटी का होगा, ठीक है। इसी तरह जो हम बाकी काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिकल वर्क इस क्वालिटी का होगा, तो ये सारी क्वालिटीज यहाँ से मुराद ये। तो अब जो भी डिलीवर होगा डिलीवरेबल जिस भी टाइप का होगा तो हम उसको उसी क्वालिटी की डेफिनेशन के अगेंस्ट देखेंगे जो हमने प्लान क्वालिटी के अंदर डिफाइन की थी। फिर हमने अगर तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड अचीव हो गया और तो हम इस डिलीवरेबल को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको वापस भेज देंगे और कहेंगे कि भाई इस पर काम किया जाए। अब वो काम करने का या ये जो सॉरी जो उसके मुताबिक काम है सॉरी जो मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी के मुताबिक है या नहीं है, उसके अंदर कितनी वेरिएशन है, ये वेरिएशन अगेन हमारी वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स यहाँ पे हम बात करेंगे कंट्रोल लिमिट्स की। अगर तो वो वेरिएशन कंट्रोल लिमिट के अंदर अंदर वेरिएंस है तो फिर तो खैर है, लेकिन अगर कंट्रोल लिमिट से बाहर है तो ऑब्वियसली वी वुड रिकमेंड कि यार कोई गड़बड़ है और इसको आप दोबारा रीवर्क करें और वापस काम करके भेजें। ऑब्वियसली उसके अंदर वो जो हम बातें करते हैं कि जी रूट कॉज एनालिसिस भी होगा और हम जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब जो कंट्रोल क्वालिटी के इनपुट्स हैं उसके अंदर जाहिर है क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान तो होगा ही होगा, क्योंकि जो भी नॉलेज एरिया का किसी भी नॉलेज एरिया का कोई प्रोसेस हम कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को करने के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस होती हैं वो उस नॉलेज एरिया के प्लान के अंदर होती हैं। तो अभी हम क्वालिटी का एक प्रोसेस कर रहे हैं विच इज कंट्रोल क्वालिटी, तो उसको कैसे करना है उसके बारे में गाइडलाइंस मुझे क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान से मिलेंगी। देन वर्क परफॉर्मेंस डेटा एंड डिलीवरेबल्स। नाउ अगर आपको याद हो तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये चीज़ बताई थी कि जी जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में मेरे पास जो डाटा आता है जिसको हम WPD कहते हैं, ये मेरा वर्क परफॉर्मेंस डाटा होता है और इस डाटा को मैं कंपेयर करता हूँ विद माय प्लान या विद माय बेसलाइन या मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए तो उनके साथ, मैट्रिसेस को डिफाइन किए हुए तो उनके साथ, एंड देन आई सी यार दोनों में डिफरेंस कितना है और ये मेरे पास WPI बन जाता है। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे वर्क परफॉर्मेंस डाटा भी आता है बट एट द सेम टाइम डिलीवरेबल्स भी बन के आते हैं। एक डायग्राम मैं अमूमन बनाता हूँ कि जी टॉप पे मेरे पास डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क ये वो नॉलेज है सॉरी ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोजेक्ट का काम हो रहा होता है, यहाँ से WPD भी निकल और डिलीवरेबल्स भी, और नीचे क्वालिटी वाले नॉलेज एरिया में ये डिलीवरेबल आते हैं और फिर इनको चेक किया जाता है। सो डिलीवरेबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट ऑफ दिस प्रोसेस। और फिर अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट भी मेरे पास आती है फ्रॉम PICC। ये क्यों आती है बाय द वे? ये इसलिए आती होंगी कि इसलिए आती हैं इनफैक्ट वो कि मेरे पास ये मेरा PICC प्रोसेस है, जैसे ही PICC में प्रोसेस परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में सारी चेंज रिक्वेस्ट इनपुट पे आती हैं, यहाँ पे चेंज कंट्रोल बोर्ड CCB इसको एवेलुएट करता है एंड अकॉर्डिंगली वो चेंजेस को अप्रूव या रिजेक्ट करता होगा। जिन चेंजेस को वो अप्रूव कर देता है जाहिर है उसकी वजह से कुछ मैनेजमेंट प्लान के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑब्वियसली चेंजेस आएंगी, कुछ बेसलाइंस के अंदर चेंजेस आएंगे। अब वो चेंजेस जो है ना अप्रूव चेंजेस जिसको हम कह रहे हैं, वो चेंजेस दो जगहों पे लाजमी जाएंगी। एक वो जाएंगी डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में। वाई? क्योंकि डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम हो रहा है। पहले ये लोग एक प्लान जो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इधर से आया था प्लानिंग वाले प्रोसेस ग्रुप के अंदर से, उस प्लान पे लोग काम कर रहे थे। अब उस प्लान के अंदर चेंजेस आ गई हैं तो जाहिर है वो चेंजेस यहाँ से इधर आएंगी और वो प्लान को चेंज करके अब ये नए प्लान को इन नई चेंजेस के मुताबिक इंश्योर करेंगे कि अब प्रोजेक्ट का काम इस तरह करना है। अच्छा, दूसरी इसकी एक कॉपी आप कह लें या एक और जगह जहाँ पे जाएगी वो है कंट्रोल क्वालिटी। कंट्रोल क्वालिटी के पास क्यों जाएगी? बिकॉज जब आप डिलीवरेबल्स यहाँ पे बन के आएंगे, इधर से डिलीवरेबल निकलेंगे और वो कंट्रोल क्वालिटी के पास इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तो कंट्रोल क्वालिटी वाला इसको पुराने प्लान या उनके मुताबिक नहीं देखेगा, बल्कि ये जो नई चेंजेस अप्रूव हुई हैं उनको भी चेक करेगा कि यार क्या वो चेंजेस इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी हैं या नहीं की।
अच्छा अब प्रॉब्ली इट वाज कौन सी क्लास थी, ये सलमान असद की ही क्लास थी उमर शायद शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने इन लोगों को एक असाइनमेंट दिया और इन असाइनमेंट में आई लाइक दे डिड दैट असाइनमेंट, इन्होंने गालबन रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना के लाए और उस रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर मैंने इनको चेक करके वो प्लान ग्रुप्स में इन्होंने किया था, चार चार पांच पांच लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया था। तो मैंने उसके ऊपर पेन से हाईलाइट कर दिया कि यार ये मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स को आप ठीक करके लाओ। दैट मीन्स मैंने चेंजेस रिकमेंड की एंड उनमें से इनकी क्लास में कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने एज इट इज वो असाइनमेंट मुझे वापस कर दी। आई मीन वो चेंजेस जो मैंने यहाँ पे अप्रूव की थी वो चेंजेस इन्होंने इनकॉर्पोरेट ही नहीं की, और दोबारा जो डिलीवरेबल मुझे दिया उसके अंदर वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। तो एक्चुअल में जैसे ही वो असाइनमेंट आई तो मैंने अपने पास जो नोट डाउन किया हुआ था कि यार इस असाइनमेंट में ये और ये पेजेस पे मैंने चेंजेस रिकमेंड की थी, तो इन्होंने वो चेंजेस की हैं या नहीं, क्योंकि बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट देखा हुआ था। तो वो चेंजेस मैं जैसे बता रहा हूँ एक या दो ग्रुप से उसको छेड़ा ही नहीं, एज इट इज मुझे वापस कर दिया। दैट मीन्स कि मैंने उन अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया है कि क्या अब उन्होंने इस दफा जो मैंने चेंजेस अप्रूव की थी वो अपने डिलीवरेबल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट की हैं या नहीं की है। ठीक है, सो इसलिए हमें यहाँ पे अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट भी इनपुट पे चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे, जाहिर है क्वालिटी की जो मैट्रिसेस हैं जो हमने फाइनल की भी हैं, कुछ चेक लिस्ट हैं, कुछ चेक शीट्स हैं, वो मैंने जो प्लान के अंदर बनाई थी वो मैं यहाँ पे देखूंगा। कि जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के अंदर हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइन किया और वहीं पे हमने कुछ मैट्रिसेस भी बनाई थी कि यार ये मैट्रिसेस अपने सामने रख के मैं चीज़ों को चेक करूंगा और फिर इसके मुताबिक अगर मैं कहता हूँ इतनी मिस्टेक्स हैं, इतने फॉल्ट्स हैं, इतने रिवर्क हैं, अकॉर्डिंगली आई विल टेक सम एक्शन। और इसी तरह टेस्ट एंड वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में हमने कहा था कि यार जनरली तो ये प्लान के अंदर बनता है, जनरली PMI की जो जनरल एटीट्यूड है वो ये है कि सब कुछ प्लान के अंदर फाइनल करो और फिर उसको आप चाहे एग्जीक्यूटिंग के अंदर यूज करो, चाहे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर, लेकिन मैनेज क्वालिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल में हम कुछ नए टेस्ट एंड एवेल्युएशन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। और वो इसलिए बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब तक वो बन ना जाए उस वक्त तक बनने तक हम उनको उनके टेस्ट डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक वैक्सीन ट्राई करनी है, लेट्स से कोरोना की, या मुझे कोई एक मशीनरी इक्विपमेंट ऐसा बनाना है जो अभी तक पहले कभी नहीं हुआ। तो अब जब तक वो उसका डिज़ाइन क्या होगा, उस डिज़ाइन उसको बनाने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन हो सकते हैं, जब तक एग्जीक्यूटिंग के अंदर वो डिज़ाइन बन नहीं जाएगा, वो चीज़ बन नहीं जाएगी, तब तक मैं नहीं कह सकता कि यार आपने इस डिज़ाइन को चेक करने के लिए ये टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने AC ऑन करके देखना है इतने मिनट, आपने हेडलाइट्स ऑन करके देखनी है इतने मिनट, ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम ये चीज डिजाइन नहीं कर लेते। हाँ, अगर एक रूटीन मैटर है जिसको आप बिल्कुल प्लानिंग के अंदर ही इन स्पेक्स को बता सको तो फिर ये मैनेज क्वालिटी के अंदर नहीं बनते। फिर लेसन लर्न रजिस्टर लिखा हुआ है, लेकिन आपने याद होगा, आपको मैं बताता हूँ हमेशा कि रिस्क रजिस्टर एंड अजम्पशन लॉग तो आप अपने साथ स्टैंडर्ड रखें ही रखें, और उसको इनपुट पे हम क्यों यूज करते हैं और आउटपुट पर क्यों यूज करते हैं ये भी अपने माइंड में आपने लाजमी रखना है। अच्छा, अब हमारे पास जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं कंट्रोल क्वालिटी के, उनका अगर मैं कहूँ, जाहिर है वो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स एंड टेक्निक्स आप पढ़ेंगे, लेकिन सारों का मकसद एक ही है और वो मकसद ये है कि हमने वेरीफाई करना है या टेस्ट करना है या इंस्पेक्ट करना है कि हमारे जो डिलीवरेबल्स बन के आ रहे हैं वो उन रिक्वायरमेंट्स को या उन उन क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं एज पर द मैट्रिसेस दैट वी हैड डिफाइंड इन द प्लानिंग और लेट्स से इन द मैनेज क्वालिटी प्रोसेस, ताकि इंक्लूडिंग सॉरी इसमें कस्टमर का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के मुताबिक। अब मैं जो भी टेस्ट रन कर रहा हूँ, मेरे पास एक डिलीवरेबल बन के आया, उसको मैं फिजिकली हाथ में उठा के देख रहा हूँ, उसकी डायमेंशंस को मेजर कर रहा हूँ, उसका वेट को देख रहा हूँ, उसके ऊपर कोई टेम्परेचर के टेस्टिंग कर रहा हूँ, उसके ऊपर मे बी कोई स्ट्रेंथ की टेस्टिंग कर रहा हूँ, व्हाटएवर, वो सारे के सारे इनका जो रिजल्ट आएगा ना, असल में वो रिजल्ट हमें ये बताएगा कि क्या ये वाकई ही उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को या रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं या नहीं। और अगर करते हैं तो ऑब्वियसली वी वुड से कि अब हम इसको फॉरवर्ड आगे कर देंगे वैलिडेट स्कोप प्रोसेस में, जहां पे कस्टमर आएगा और इसको चेक करेगा। लेकिन
अगर ये मीट नहीं करते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को, ऑब्वियसली हम इसको वापस डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में भेज देंगे फॉर रीवर्क, लेकिन ये डायरेक्ट मतलब उस तरह जाता नहीं है। इसके लिए जाहिर है आपको एडिशनल फंड्स चाहिए होते हैं, रीवर्क के लिए एडिशनल टाइम चाहिए होता है। अगर आपने इसको इसको एज अ रिस्क पहले से आइडेंटिफाई नहीं किया और इसके लिए कोई कॉन्टिजेंसी रिजर्व नहीं लिखा रखा हुआ, तो फिर इसे वापस जाना ही जाना है रीवर्क में, और उसके लिए आपको एडिशनल फंड्स चाहिए होते हैं। और जनरली हम ये कहते हैं कि ये चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू होके आते हैं। ठीक है, आपको वो जो पहला मैंने एक फ्लो डायग्राम क्वालिटी नॉलेज एरिया का समझाया गया, वहां पे आप देखिएगा कि एक चेंज रिक्वेस्ट हम इनिशिएट करते थे। अच्छा, अब चेक लिस्ट, आपको याद होगा कि हमने चेक लिस्ट पहले भी मैनेज क्वालिटी के अंदर भी पढ़ी है। अच्छा, और मैनेज क्वालिटी के अंदर जो है वो मैनेज क्वालिटी या प्लान क्वालिटी, सॉरी। अच्छा, उस वक्त हमारा फोकस ये था कि हमने इस चेक लिस्ट को सामने रख के वो जो प्लान के अंदर लेट्स से मैंने बनाई वो मैं यूज करूंगा मैनेज क्वालिटी के वर्क के, यार जो स्टेप्स प्रोसेस के मेरे हो रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है, लेट्स से दीवार बनाने का, पेंट करने का, केबलिंग बिछाने का, जाहिर है सबके अलग अलग प्रोसेसेस मैंने डिफाइन किए हुए, तो उनके अंदर मैं चेक लिस्ट के थ्रू, अच्छा यार ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, इस स्टेज पे आके हमने ये टेस्ट करना था, ये टेस्ट भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, ओके नेक्स्ट ये काम भी हो गया, एंड सो ऑन। तो एक तो ये चेक लिस्ट है, ये चेक लिस्ट भी मेरे पास जो मैंने मैनेज क्वालिटी में यूज की है, ये मैं आगे भी भेज सकता हूँ ताकि कंट्रोल क्वालिटी वाले के सामने एक क्लैरिटी आ जाए कि भाई ये सारी चीजें पहले चेक हो गई है। अच्छा, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि मैंने जैसे वो टेस्ट एंड एवेलुएशन डॉक्यूमेंट बनाए हैं कंट्रोल क्वालिटी के लिए, उस वक्त मैं ये चेक लिस्ट नहीं बनाऊं, और उसका मकसद होगा प्रोसेस नहीं होगा बल्कि एक प्रोडक्ट को या डिलीवरेबल को चेक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, आपने इंजन स्टार्ट करना है 2 मिनट करके देखें, उसके बाद आपने एसी ऑन करके देखना है वो चलता है नहीं चलता, फिर आपने लेट से ब्रेक टेस्ट करनी है, फिर आपने हेडलाइट्स टेस्ट करनी है, फिर आपने इंडिकेटर टेस्ट करना है, ताकि ये जो डिलीवरेबल बना है उसको हम क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को चेक करने में कोई चीज मिस ना कर दें। ये मेरे पास टेस्ट एंड डेवलपमेंट सॉरी एवेलुएशन डॉक्यूमेंट जो बने थे उसमें चेक लिस्ट भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसको सामने रख के मैं चेक करूंगा कि मेरा डिलीवरेबल वो रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करता है या नहीं करता। अच्छा, अब इसका फायदा ये होता है कि आप एक स्टैंडर्ड मेथड मेथड के थ्रू सोच समझ के आप चीजें टेस्ट करते हो, और ये नहीं होता कि ओहो यार ये चीज तो देखनी याद ही नहीं रही, इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता। दूसरी चीज, हम चेक शीट्स यूज करते हैं, इसका दूसरा नाम टैली शीट्स भी है, चेक शीट्स या टैली शीट्स, ये एक तरह से है ये भी चेक लिस्ट, लेकिन ये जो डाटा हमारे कंट्रोल क्वालिटी के अंदर हम जितने भी टेस्ट रन करते हैं, चाहे वो अभी हमने सिर्फ चेक लिस्ट पढ़ा, चेक लिस्ट के थ्रू करें, कोई और टेक्निकल टेस्ट करें, वट एवर दैट मे बी, उसके बाद उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि कितने डिफेक्ट्स आए, किस कैटेगरी के आए, वो हम टैली शीट्स या चेक शीट्स के ऊपर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उधर इंस्पेक्शन, एक मेरा क्वालिटी टूल है लेट्स से कंट्रोल क्वालिटी का, मैंने मेरे पास जो चीज़ें आ रही हैं उसके ऊपर मैं स्क्रैचेस देख रहा हूँ, ओके फाइन। तो मुझे पता चला पहले दिन एक आइटम ऐसा आया आउट ऑफ लेट्स से 100 आइटम्स प्रोड्यूस हुए, उसमें एक पे स्क्रैच था, दूसरे दिन 2 आए, और इस तरह करते करते टोटल अभी तक 7 आ चुके हैं। इसी तरह बड़े स्क्रैच इतने हैं, बेंट इतने हैं, मिसिंग कंपोनेंट रॉन्ग है। सो अब वो टेस्ट मैं चाहे इंस्पेक्शन के थ्रू कर रहा हूँ, चाहे जैसे अभी हमने कहा चेकलिस्ट के थ्रू कर रहा हूँ, या और कोई मैं उसका टेम्परेचर का टेस्ट कर रहा हूँ, कोई डायमेंशन का टेस्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डायमेंशन कर रहा हूँ तो मैं कोई मेयरमेंट्स ले रहा हूँ, अच्छा यार ये वाली साइड कितनी थिक है, कितनी वो थिन है, प्लान के मुताबिक है या नहीं है, तो वो उस तरह की हम कहते हैं कि यार हायर देन नॉर्मल थिकनेस या रिक्वायर्ड थिकनेस इतने हैं, लेस देन रिक्वायर्ड थिकनेस वाले इतने हैं, एंड सो ऑन। तो टैली शीट्स या चेक शीट्स बेसिकली ये हमें जितने भी जो टेस्ट होते हैं उनका जो डाटा होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए या उसको ट्रैक करने के लिए कि यार कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितने हमारे टेस्ट पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने डिलीवरेबल्स हैं, क्वालिटी क्राइटेरिया मीट किया और कितने नहीं कर सके। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के अंदर इसका ये मतलब है कि हम समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस के हम हर हर डिलीवरेबल को या हर हर आइटम को 100% इंस्पेक्ट कर सकें। वो जो 100% इंस्पेक्ट करना होता है उसको हम कहते हैं 100% इंस्पेक्शन। 100% इंस्पेक्ट करने से, और क्यों नहीं कर सकते,
या तो उसको करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए। लाइक अगर मेरे पास एक ट्रक आया और उस ट्रक के ऊपर 1,000 ईंटें जो है ना वो बन के आई है, तो मैं हर ईंट को पकड़ के चेक नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं, और वो सैंपल कितना होगा, उसका साइज क्या होगा, फिर उस सैंपल के अंदर से क्या रिजल्ट आया, तो हम कहेंगे लाइक पांच, मैंने लेट से मैं कहता हूँ कि यार 10,000 में से 100 पीसेस में चेक करूंगा, या 100 पीसेस का सैंपल लूंगा। अब वो जो 100 पीसेस का मैंने सैंपल लिया, उसमें से कितने पीसेस ठीक हुए, तो आई वुड से कि यार ये पूरे का पूरा ट्रक जो है ना मेरे लिए ठीक है, या कितने पीसेस खराब हुए, तो आई वुड से कि यार सारा का सारा सामान ही खराब है। तो जब मेरे लिए ये मुश्किल हो, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो कि मैं सारे के सारे आइटम्स को टेस्ट करूं या चेक करूं, तो मैं उसमें से क्या करता हूँ, प्री डिफाइंड क्वांटिटी में एक सैंपल ले लेता हूँ। और ये प्लानिंग के अंदर हम बता देते हैं कि यार क्या हमने स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग साइज क्या होगा, या फिर ये जो अभी हमने मैनेज क्वालिटी के अंदर वो जो टेस्ट एंड एवेल्युएशन डॉक्यूमेंट पढ़े हैं उसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि इतने का सैंपल उठाना है आपने, हर 10,000 पे इतनी चीज निकालनी है, और इतने अगर पास हो गए तो यू वुड से कि ये सैंपल एक्सेप्ट, सॉरी ये पूरी की पूरी लॉट जो है वो एक्सेप्टेबल है। या फिर ये टेस्ट करना आपके लिए, सारे टेस्ट करना बहुत ज्यादा कॉस्ट ले लेते हो, लाइक जाहिर है जब आप टेस्ट करोगे तो उस टेस्ट की कोई कॉस्ट होगी। तो अब अगर आपको टेस्टिंग की बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है, तो भी आप सारे के सारे 100% इंस्पेक्शन पे नहीं जाते हो, रादर आप एक रैंडम सैंपल उसमें से ले लेते हो। तो मतलब ये दूसरी सिनेरियो। तीसरा ये है कि अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो, दैट मीन्स कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, मसलन ईंट की अगर मुझे स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो इस ईंट की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए मे भी मैं इसको हथौड़ी मार के चेक करूंगा। अगर मेरे पास 10,000 ईंटें आई और सबको मैंने हथौड़ी मार के तोड़ दिया, तो मैं यूज क्या करूंगा फिर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिकल सैंपल एक ले लेते हैं बड़ी लॉट का, और उसमें से उसके मुताबिक हम चेक कर लेते हैं कि मेरी कितनी चीजें ठीक हुई हैं, या डिलीवरेबल्स कितने ठीक हैं, कितने गलत होंगे, या सारे डिलीवरेबल्स ठीक होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि इसकी फ्रीक्वेंसी या सैंपल साइज, वो ये सारा के सारा हम प्लान क्वालिटी में बता देते हैं। लेकिन अगर आप फोकस देखें, अभी तक हमने तीन पढ़े हैं, मैं आपको बस एक रिमाइंड करा देता हूँ कि चेकलिस्ट का फोकस भी यही है कि मुझे डिलीवरेबल चेक करने। अगर डिलीवरेबल इस तरह की नेचर के हैं, ये जो आपके सामने लिखी हुई है, कि जिनके सारे को सारा टेस्ट करना मुश्किल है, तो फिर हम सैम्पलिंग के थ्रू कर लेंगे, बट अगेन डिलीवरेबल ही फोकस है। और इसी तरह उन डिलीवरेबल्स के ऊपर जो टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है, उसका डाटा मेंटेन करने के लिए, उसको ट्रैक रखने के लिए, मैं जो चेक शीट्स या टैली शीट्स अभी आपने पढ़ा, उसका फोकस भी यही है। अच्छा, ये तो है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, अगर मैं डिलीवरेबल्स की बात कर रहा हूँ। वैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिहाज से भी ये बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। ये अदर देन दिस, वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल छोटी छोटी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हैं, तो मैं अगर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी प्रोग्रेस को देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ कि रेंडमली कोई 10-15 एक्टिविटीज जो है ना उनको सामने रखूँ, और मैं कहूँ कि यार ये अगर, तो ये जाहिर है वैसे तो हम प्रोग्रेस सारों की मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अगर एक क्विक चेक करना है मुझे, मेरे प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हैं, 1,000 में एक्टिविटीज हो रही है, तो फिर मैं क्या करूँगा, क्विक चेक कर लीजिए, मे बी 10 एक्टिविटीज देखूँ, अगर 10 रेंडमली पिक 10 एक्टिविटीज वो पूरे टाइम पे ठीक जा रही हैं, तो फिर मैं अस्यूम कर सकता हूँ कि यार मेजोरिटी ठीक ही जा रही होगी। अगर 10 में से कोई एक आधी होती है, तो देन आई वुड से कि यार ऑलमोस्ट 90% एक्टिविटीज ठीक जा रही होंगी, लेकिन अगर 10 में प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली मैं फिर बाकी सारे के सारे, सॉरी, एक्टिविटीज को भी चेक करूंगा। बट ये अगेन ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में आपको बताया गया। अच्छा जी, आगे, सॉरी किधर गया भाई, क्वेश्चन एंड सर्विस, इसको पढ़ें, और इसके अंदर पढ़ने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम बताएं, एक प्रॉब्लम पढ़े सीरियस किस्म का। Questions and surveys may be used in control quality to gather data on the details of problems or defects, or to confirm that customers or end users are satisfied with the deliverables that have been developed, deployed on the project. जी, क्या कहते हैं? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मुझे ये बताएं, वैलिडेट स्कोप क्या होता है? जब जो प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट आपके मुताबिक है कस्टमर होता है अपने वो इंटरनल, आपसे, तो दैट मींस कंट्रोल क्वालिटी के अंदर तो हमने ये पढ़ा था ना कि वो हम इन हाउस चेक करते हैं, और फिर अगर यहाँ से पास हो तो वो कस्टमर के पास, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ कस्टमर कंफर्म कर रहा है ना, ये तो वैलिडेट स्कोप नहीं, ये तो वैलिडेट स्कोप बन गया, करेक्ट?
अच्छा अब ये आपने माइंड में रखना है कि ये एक्चुअली ये जो आपके पास नीचे लिखा हुआ है पिम्बॉक का वो इमेज मैंने लिया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट है वहां पे भी ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा इसके अंदर ये याद रखिएगा बाज़ दफा हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं या कुछ डिलीवरेबल्स ऐसे होते हैं जिस पे हमें टेस्ट करने के लिए यूजर या इन हाउस टेस्ट करने के लिए भी यूजर को इन्वॉल्व करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया मोबाइल फोन का एक नया मॉडल बना रहा हूँ एक ऑल टुगेदर एक नया सेट बना रहा हूँ ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ प्रोजेक्ट आपको आई होप याद होगा कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रूटीन ऑपरेशन होता है लेकिन प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम मॉडल होता है जाहिर है वो आप दो तीन 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 चार चार साल के उसमें प्रोडक्ट करते हैं अब वो मुझे टेस्ट करना है। इसी तरह सॉफ्टवेयर कोई ऐसा है जिसकी टेस्टिंग मुझे एक्चुअली ऑन साइट लगा के करनी पड़ रही है इन हाउस टेस्टिंग उसकी हो ही नहीं सकती मतलब कुछ बेसिक लेवल की तो हो सकती है लेकिन उसको जब तक आप एक खास एरिया के अंदर डिप्लॉय करके नहीं देखते ना उस वक्त तक आपको उसका पता नहीं चलता कि यार इसमें क्या फ्लॉज है। ऐसे जो टेस्ट है ये इन हाउस ही मैंने कस्टमर को हैंड ओवर नहीं किया एज सच मैंने कस्टमर को ये कहा है कि ये इसी तरह है जैसे आपका टेलर आपको सूट सिलवाए अच्छे टेलर आपको पहले बुलाते हैं एंड देन वो आपको पहना के आपको हैंड ओवर नहीं करते आपको पहना के टेस्ट करके फिटिंग चेक करके और कहते हैं आप सर परसों आके ले जाइए ठीक है। अब वो कस्टमर तो इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर जाहिर है कस्टमर का ही मेजरमेंट उन्होंने लेना है लेकिन एस एच उन्होंने आपके हैंडओवर नहीं किया जैसे वैलिडेट स्कोप पे करते हैं या आपके लिए फॉर्मल एक्सेप्टेंस के या फॉर्मल अप्रूवल के लिए आपके सामने वो चीज उन्होंने नहीं रखी उन्होंने ये कहा कि इसको अब आपके बगैर हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते एक्चुअली तो इसलिए आप इसको यूज करें और फिर हमें फीडबैक जो मिलेगा फिर आप वापस दें कि अभी अभी हमने आपको बुलाया नहीं है फॉर्मल अप्रूवल के लिए लेकिन ये जैसे मोबाइल को मैं खास एरिया के अंदर कुछ खास एम्प्लॉइज के अंदर या एंड यूजर्स के अंदर उसको बांट दूं। आई होप दैट क्लैरिफाइज दिस थिंग इसको लाजमी माइंड में अपने रखना है आपने। अच्छा अब इसके बाद आगे आता है परफॉर्मेंस रिव्यूज हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया या क्वालिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलके अपने कुछ प्रोडक्ट क्वालिटी के परफॉर्मेंस रिव्यूज कर सकते हैं ताकि हम फॉर्मली असेस कर सकें कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग द क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं जो कंट्रोल की मेजरमेंट्स या कंट्रोल के रिजल्ट्स आ रहे टू द मैट्रिसेस आइडेंटिफाइड इन द मैनेजमेंट प्लान और इसके नतीजे में बाज़ दफ़ा हमें मैं अभी ये बताता हूँ सारी चीज़ें फिर एक्सप्लेन करता हूँ कुछ लाइट चेंजेस नेसेसरी हो सकती हैं रिक्वायर्ड हो सकती हैं इन द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। अब मुझे ये बताएं कि हाउ परफॉर्मेंस रिव्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑडिट्स डन ड्यूरिंग मैनेज क्वालिटी हमने जो मैनेज क्वालिटी के अंदर ऑडिट्स पढ़ा था वो क्या था उसके अंदर भी यही नहीं था कि हम अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं आप अपने सारे रिजल्ट्स को देखते हैं और फिर हम करते हैं इजंट इट। मैनेज क्वालिटी के अंदर बस फोकस आपने ये रखना है कि मैनेज क्वालिटी जो देख रहा था वो ये देख रहा था कि हमारे प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे नंबर टू उन प्रोसेसेस को फॉलो करने के बाद जो हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट आ रहे हैं वो उसके मुताबिक नहीं लेकिन मैनेज क्वालिटी इस चीज को नहीं देखता कि क्या हमारी प्लानिंग ठीक थी या नहीं ठीक थी क्या हमारी एग्जीक्यूटिंग ठीक है या नहीं है यानी कि मैनेज क्वालिटी और क्या हमारी कंट्रोलिंग ठीक है या नहीं है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का अगर आपको याद हो तो मैं आपको बार बार कहता हूँ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आपको ये बताता है या उसका मकसद ये होता है कि हम ये भी चेक करें कि हमारी प्लानिंग कैसी है हम ये भी चेक करें कि हम क्वालिटी कैसे मैनेज सॉरी अभी तो मैनेज है लेकिन वैसे अदरवाइज हम एग्जीक्यूटिंग कैसे कर रहे हैं और हम ये भी चेक करें कि हमारी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे चल रही है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपका क्विज लेके देखता हूँ और उस क्विज से अगर तो मुझे सही इंफॉर्मेशन मिल रही है मेरी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का सही फायदा मुझे उससे हो रहा है कि यार जो चीज मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ मेरी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वही चीज टेस्ट कर रही है तो फिर तो मेरा ये प्रोसेस भी ठीक है अदरवाइज मुझे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग को भी चेंज करना पड़ेगा मे बी जो टेस्ट मैं यूज कर रहा हूँ मे बी जो तरीका वारदात मेरा है टू मॉनिटर योर परफॉर्मेंस वो ठीक नहीं है उसके अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड हो सकती है। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है ना वो तीनों प्रोसेस ग्रुप एक्चुअली चौथा भी अगर कंट्रोल वो क्लोज भी हो उन सारे बाकी प्रोसेस ग्रुप को चारों प्रोसेस ग्रुप को वो ये देखता है कि क्या इनिशिएटिंग ठीक हुई क्या प्लानिंग ठीक हुई
क्या हमारी मैनेजमेंट ठीक चल रही है और क्या हमारी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी ठीक है या नहीं है. ऑडिट जो हुआ था वो मैनेज क्वालिटी के फोकस पे हुआ था, बस दैट्स इट. उसका पूरा फोकस मैनेज क्वालिटी का. लेकिन जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर जितनी भी चीजें हैं, या हम रिस्क के अंदर भी पढ़ेंगे, मैं अभी अगर हमारा अगला नॉलेज एरिया रिस्क ही है. मैंने आपको लास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग में बताया था कि हम दरमियान में ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स वाले नॉलेज एरियाज है उनको मैं एक साथ पढ़ाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल जो रिसोर्स मैनेजमेंट वाला नॉलेज एरिया, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है. उसके अंदर लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और इस तरह की वो चीज़ें हैं, रिलेशनशिप और वगैरह वगैरह, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस. और इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी, कम्युनिकेशन वाला नॉलेज एरिया भी, एंड देन स्टेक होल्डर्स कोई इंगेजमेंट वाला भी. ये तीनों वो हैं जिनके अंदर ह्यूमन एलिमेंट है और इसके अंदर कुछ सॉफ्ट स्किल्स आपको चाहिए, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, कोई लीडरशिप चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस करने के चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के चाहिए, या कोई आपने बार्गेन करना है, ठीक है, उस बार्गेन के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए. तो ये जितनी भी चीजें हैं इनको मैं एक साथ एंड पे पढ़ाता हूँ. बाकी जो टेक्निकल नॉलेज एरियाज है वो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ. सो क्वालिटी के बाद मैं रिसोर्स मैनेजमेंट भी स्किप कर जाऊंगा, मैं कम्युनिकेशन वाला नॉलेज एरिया भी स्किप करूंगा. और आज ही इंशाल्लाह अगर खत्म हो गया तो हम आज ही अगला नॉलेज एरिया जो कि रिस्क मैनेजमेंट का, उसका एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे. और वंस विल बी डन विद द रिस्क मैनेजमेंट, तो अगला नॉलेज एरिया हमारा प्रोक्योरमेंट का आएगा. और जैसे ही प्रोक्योरमेंट का हो जाएगा, देन वी विल मूव ऑन टू स्टेक होल्डर एंड फॉलोड बाय कम्युनिकेशन. और फिर इसी तरह रिवर्स ऑर्डर में आके हम ये सारे सॉफ्ट स्किल्स वाले इकट्ठे ही पढ़ेंगे. अच्छा, सो अब मॉनिटरिंग एंड, मैंने आपको कहा कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में रिस्क वाली एग्जाम्पल ना वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ आती है. रिस्क मैनेजमेंट का चले मैं आपको साथ में वो भी बेसिक बता देता हूँ, ऑल्दो थोड़ा सा हम डेविएट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी. जब मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना लेता हूँ तो उसके बाद मैं अपना पहला प्रोसेस ये करता हूँ कि मैं अपने रिस्क आइडेंटिफाई करता हूँ. अब ये जो रिस्क मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो मेरे पास एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है रिस्क की, लेट्स से 1200 1500 रिस्क मैंने आइडेंटिफाई कर लिए. अब ये सारे के सारे रिस्क इस काबिल नहीं होते कि मैं हर रिस्क के पीछे दौड़ूं. नोट डाउन मैं जरूर करूंगा ताकि मैं अनजाने में ना मारा जाऊं, ठीक है, मेरे पास एक मैकेनिज्म हो चीजों को ऑब्जर्व करने का. आई जस्ट वॉन्ट कि मैं अगर किसी रिस्क के पीछे कोई रिस्पॉन्स उसका प्लान नहीं कर रहा तो ये मेरा सोचा समझा फैसला हो. ऐसा ना हो कि रिस्क मैं आइडेंटिफाई ना करूं और वो एक बहुत बड़ी बला बन के मेरे सामने आ जाए. सो आई वॉन्ट कि रिस्क आइडेंटिफाई मैं सारे करूंगा जितने पॉसिबल हैं और फिर खुद डिसाइड करूंगा कि इनमें से कौन से ऐसे रिस्क हैं जिनको मुझे सीरियसली लेना है और कौन से ऐसे रिस्क हैं जिनको मैं मे बी एक्सेप्ट कर सकता हूँ या जिनको मैं मे बी फॉर द टाइम बीइंग साइड पे छोड़ सकता हूँ. उन पे मैं नजर जरूर रखूंगा बाद में, ये ना हो कि वो रिस्क बड़ा रिस्क बन जाए. खैर, ये काम करने के लिए कि मैं अपने रिस्क में से कौन से सीरियस हैं कौन से नहीं, मैं एक रिस्क एनालिसिस करता हूँ, उसको हम क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस कहते हैं. अब क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस हम ये देखते हैं कि हर रिस्क की प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसका इम्पैक्ट कितना है. लेट्स से मैं 1 to 5 स्किप है, मैं खुद बहुत क्विक कर रहा हूँ, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये सुन रहे होंगे उनके लिए शायद मसला हो, लेकिन हम ना प्रोबेबिलिटी का स्कोर 1 to 5 देते हैं. लेट्स से एक रिस्क के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1 है. फॉर एग्जाम्पल एटम बम गिरने की प्रोबेबिलिटी 1 है, लेकिन आज एज ऑफ नाउ, लेकिन अगर वो गिर जाता है तो उसकी तबाही जो है ना वो 5 लेवल की आनी है, उसका इम्पैक्ट 5 है. तो इस रिस्क का स्कोर 5 हो गया. लेकिन इसी तरह कुछ रिस्क होंगे जिसके प्रोबेबिलिटी 4 होगी, इम्पैक्ट मे बी 5 हो, उसका स्कोर 20 आएगा. तो इन स्कोर की बेसिस पे मैं ये डिसाइड करता हूँ कि कौन सा रिस्क जो है वो सॉरी हाई प्रायोरिटी का है और कौन सा रिस्क जो है लेट्स से लो प्रायोरिटी का है. अच्छा, अब जब मेरे पास ये क्वालिफिकेशन हो जाती है या ये कैटेगराइजेशन हो जाती है और मुझे पता चल जाता है कि यार कौन सा रिस्क हाई क्वालिटी का है और कौन सा क्वालिटी नहीं हाई प्रायोरिटी का है और कौन सा लो प्रायोरिटी का, तो फिर मैं हाई प्रायोरिटी वाले को फर्दर एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस से गुजारता हूँ, ठीक है. अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस से गुजारने के बाद मैं अभी बाकी चीजें इसमें नहीं जाता, मैं अपने रिस्क के रिस्पॉन्स प्लान करता हूँ. अब रिस्पॉन्स प्लान करती है और फिर जैसे ही मेरा रिस्क ये अकर करेगा, ये अब मैं मैनेज क्वालिटी में आ गया, ये सॉरी मैनेज कह रहा हूँ एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप में आ गया. ये सारे काम प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में होते हैं. तो जैसे जैसे जो जो रिस्क अकर करता जाता है, अकॉर्डिंगली मैं वो जो रिस्पॉन्स प्लान यहाँ बनाया होता है उस रिस्क का जो प्लान के मुताबिक अपना प्लान इनिशिएट कर देता हूँ
और रिस्क उस रिस्क को वैसे ही डील कर लेता हूँ। अच्छा, अब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आके मैं क्या करता हूँ, जिस वजह से मैं आपको ये सारी कहानी सुना रहा हूँ, वो क्या है, यहाँ पे आके मैं अपनी सारी चीजों को चेक करूंगा। पहली बात मैं ये देखूंगा कि यार अगर मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर हर दूसरे दिन एक ऐसा रिस्क अकर हो रहा है जिसके बारे में मैंने पहले सोचा ही नहीं था और वो हमारी लिस्ट में नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि मेरी रिस्क आइडेंटिफिकेशन की एफर्ट ठीक नहीं थी, उसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दूसरे दिन एक नया रिस्क अकर हो रहा है, मैं उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाया ठीक तरह से, एक ये हो सकता है। दूसरा, मैंने जिन रिस्क के बारे में सोचा था कि उनकी प्रोबेबिलिटी, लेट्स से 30 रिस्क ऐसे थे जिनकी मैंने कहा था कि यार इम्पैक्ट जो है ना वो 5 है और उनके होने का चांस जस्ट 1 है, 1 to 5 स्केल पे प्रोबेबिलिटी उसकी 1 है और इम्पैक्ट उसका 5 है, अभी जैसे मैंने आपको कहा, और 30 रिस्क में से 25 रिस्क अकर कर गए, तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी का स्कोर 1 दिया हुआ था, मैं तो ये अस्यूम कर रहा हूँ उसके होने का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा चांस है, और 30 में से 25 ऐसे रिस्क जिसको प्रोबेबिलिटी मैंने 1 रखी हुई थी वो सारे अकर कर गए, तो इसका मतलब है कि मैंने ये स्कोरिंग भी ठीक नहीं की हुई। अच्छा, इसी तरह लेट से मैंने उसका इम्पैक्ट 1 रखा हुआ था और वो इम्पैक्ट 5 हो गया, या इम्पैक्ट 5 रखा हुआ था और मेजॉरिटी रिस्क जो है ना उतना इम्पैक्ट नहीं दे रही, तो इसका मतलब है मेरी इस स्कोरिंग के अंदर या ये जो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस है वो ठीक नहीं है। इसी तरह मैं रिस्पॉन्स जो मैंने प्लान किए वो रिस्पॉन्स कितने कारगर साबित हुए, कितने इफेक्टिव साबित हुए, अगर तो इफेक्टिव थे तो मे बी रिस्पॉन्स प्लान ठीक थी, लेकिन अगर ठीक और कारगर साबित नहीं हुए मुझे फिर दोबारा से कोई प्लान बनाना पड़ा या कोई एडिशनल अरेंजमेंट करने पड़े, तो इसका मतलब है कि मेरी प्लानिंग की एफर्ट सॉरी रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग भी ठीक नहीं थी। तो ये सारे काम, और फिर हो सकता है रिस्पॉन्स प्लान ठीक हो लेकिन एग्जीक्यूट ठीक ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पहले दिन पहले ही एक वार्निंग साइन आ गया था, मुझे पहले ही हालात बता रहे थे, मुझे मेट ऑफिस से ये जो आपको वार्निंग देता है फ्लड्स वगैरह की या बारिशों की, मतलब वेदर वेदर की, वो मुझे उसने वार्निंग आई हुई है और मैंने उस पर रिस्पॉन्स जल्दी इनिशिएट नहीं किया, आई वेटेड कि यार वीकेंड के बाद देखेंगे, सो उस वजह से प्रॉब्लम आई। तो हो सकता है रिस्पॉन्स प्लान ठीक हो, उसकी एग्जीक्यूशन गलत हुई हो। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग बेसिकली और अगर मैं देखूँ ना तो वो कर क्या रहा होता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ये देखता है कि क्या मेरे प्लान ठीक है, या प्लानिंग के जितने भी काम मैंने किए वो ठीक किए, क्या एग्जीक्यूटिंग के जितने भी काम ठीक किए थे वो कर रहे थे वो ठीक किए, और क्या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी ठीक हो रही है नहीं हो रही, जो टेस्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो टेस्ट से क्लियर पिक्चर आ रही है नहीं आ रही, हो सकता है वो क्लियर पिक्चर ना आ रही हो, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कंट्रोल लिमिट्स के अंदर मैं हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मैं बहुत रिजिड स्टैंडर्ड रख लेता हूँ अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार 20 फीट एक चीज का साइज होना चाहिए, और मैंने ये कहा कि 20 से ऊपर, एक इंच ऊपर गया ना 20 फीट 1 इंच या 0.5 इंच यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है, और इसी तरह 19.5 उसे कम हुआ तो ठीक है, ये एक रीजनेबल मे भी हो सकता है साइज। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं भाई 20 फीट 1 मिलीमीटर से ऊपर नीचे चीज हुई तो मैं उसको दोबारा काम करवाऊंगा, तो आपको अंदाजा ही होगा कि यार मेरी हर दूसरी चीज जो है ना वो इस लिमिट से बाहर जा रही है और मुझे बार 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 काम करना पड़ रहा है, देन आई विल रियलाइज कि यार इतना भी रिजिड क्या होना, थोड़ा सा रिलैक्स करो इन कंट्रोल लिमिट्स को, तो मैं अपनी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में थोड़ी सी चेंजेस लाऊंगा, ठीक है, या टेस्ट कोई डिफरेंट तरीके से करूंगा ताकि मैं इस फटीग से जो मैं पड़ा हुआ जिसके अंदर फजूल में उससे बाहर आ सकूं, दैट मींस मैं अपनी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग को भी चेक करूंगा। सो ऑडिट, कमिंग बैक टू क्वालिटी नाउ, ऑडिट जो है वो जो हमने मैनेज क्वालिटी के अंदर किए थे उनका मकसद ये था कि हम अपने प्रोसेसेस को देखें, क्वालिटी जो परफॉर्मेंस रिव्यूज हैं ये हम कर रहे हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के पार्ट के ऊपर, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग जो है बेसिकली वो प्लान को भी देखता है और वो मैनेज को भी देखता है, एग्जीक्यूटिंग को भी देखता है, और वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग को भी देखता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, शायद आपको क्वेश्चन समझना है, डज ऑडिट मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑडिट का फोकस प्लान को चेक करना नहीं है कि प्लान को वो मॉनिटर एंड कंट्रोल नहीं करता, इसी तरह ऑडिट जो है वो मॉनिटर एंड मॉनिटर को भी वो नहीं करता, और फिर मॉनिटर एंड कंट्रोल बेसिकली मैंने आपको कहा ना मैनेज को चेक करता है, तो मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑडिट को भी चेक करता है कि हमारे ऑडिट ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे, हो सकता है ऑडिट में भी फ्लॉ। तो ये एक चेक है, मॉनिटर एंड कंट्रोल इज अ जर्नल चेक और एवरीथिंग,
ऑडिट इज अ स्पेशल चेक फॉर प्रोसेसेस ओनली, ठीक है। तो इससे आपने कंफ्यूजिंग करना, दोनों क्वालिटी के अंदर सिर्फ यही चीजें हैं तीन चार जो कंफ्यूज करती हैं, बाकी कोई इशू नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, अब जैसे हमने कहा कि यार रूट कॉज सॉरी अगर कोई वेरियंस आती है तो हमारा पहला काम ये होता है कि हम उस वेरियंस की रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। अब रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। एक हमने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम पढ़ा था, जिसका एक और नाम भी था जिसको हमने इशिकावा डायग्राम भी कहा था, जिसको हमने फिशबोन डायग्राम भी कहा था, उसी को हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। और उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि यार हमारी रूट कॉज क्या है, और फिर उस रूट कॉज की को एड्रेस करते हैं। देन फाइव वाइज एक और मेथड है। फाइव वाइज के अंदर एक्चुअली थ्योरी इज के अगर मैं ये कहता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम क्यों अकर हुआ, व्हाई दिस थिंग हैज हैपेंड, तो पहला मुझे एक जवाब आएगा। उसके बाद आई वुड से कि अच्छा यार व्हाई दिस थिंग, ये फिर क्यों हुआ, और उसके बाद जवाब मुझे आएगा कि यार इस वजह से ये हुआ। एंड देन आई वुड आस्क यार व्हाई दिस थिंग हैपेंड, तो उसकी वजह ये है कि। सो इस तरह हम पांच वाइज के अंदर अंदर अपनी रूट कॉज पे पहुंच जाते हैं मैक्सिमम। इसी तरह एक फॉल्ट ट्री एनालिसिस होता है, एक फेलियर मोड इफेक्टिव सॉरी फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस होता है। ये सारे की सारी टेक्निक्स आपको मतलब जानना जरूरी नहीं है, बट अगर आपको किसी स्टेज पे इसकी क्यूरी हुई तो आई वुड ऑब्वियसली टीच देम। ये कोई इतनी बड़ी चीजें मतलब साइंसेस नहीं है। अच्छा, अब चले मैं बल्कि आपको क्विकली बता देता हूँ। फॉल्ट ट्री एनालिसिस के अंदर हम अपना एक फॉल्ट आता है तो उसको हम पीछे देखते हैं कि यार एक रीजन ये मैकेनिकल हो सकती है, एक रीजन टेक्निकल हो सकती है, एक रीजन लेट्स से ह्यूमन यूज की हो सकती है, उसने यूज ठीक नहीं किया। मैकेनिकल फेलियर भी नहीं हुआ, इलेक्ट्रिकल भी नहीं हुआ, बल्कि यूज का प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार कितने परसेंट चांस है कि इलेक्ट्रिकल इशू हो सकता है, मैं कहता हूँ 30%, इसकी प्रॉबिलिटी मैंने देख ली। इसी तरह ये कितने परसेंट चांस है जी, ये 40% है, और ये कितना है, ये भी 30 हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि अच्छा यार अगर ये इलेक्ट्रिकल हुआ है तो इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। एक होता है कि जी इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, कितने परसेंट चार्ज है जी 40% इसका। अब ये जो 40% है वो इस 30% का 40% आ गया। अच्छा, और इधर दूसरा ये हो सकता है कि तारें जो है ना वो सही कनेक्ट नहीं हुई थी, लेट्स से कितना परसेंट चार्ज है जी 60%। सो इस तरह हम एक फॉल्ट ट्री एनालिसिस वो बन जाता है। फेलियर मोड एंड इफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि अस्यूम करते हैं कि यार हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर या हमारा जो इक्विपमेंट या मशीनरी बनाई है उसके अंदर पॉसिबल रीजंस या मोड ऑफ फेलियर्स क्या क्या होंगे, एंड उसके अंदर उसका फिर इफेक्ट क्या क्या आएगा। फॉर एग्जांपल